क्वेश्चन है बेटा आपका, इन द नेटवर्क शोन इन फिगर फाइंड रेजिस्टेंस RL. RL आपका ये है बेटा RL, सो दैट मैक्सिमम पावर इज डेवलप्ड अक्रॉस RL. रिपीट करो क्वेश्चन, इन द नेटवर्क शोन इन फिगर फाइंड रेजिस्टेंस RL, सो दैट मैक्सिमम पावर इज डेवलप्ड अक्रॉस RL. सर्किट देखिए, हो सकता है आपको सीसी विजिबिलिटी नहीं आ रही हो, तो मैं सारी वैल्यूज बोल रहा हूँ. ये 5 वोल्ट है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये करंट सोर्स है आपका 1 एम्पियर, ये रेजिस्टेंस है 10 ओम, ये रेजिस्टेंस बेटा आपका 2 ओम, ये रेजिस्टेंस है 3 ओम, ये रेजिस्टेंस 5 ओम, और ये है RL यानी लोड रेजिस्टेंस. रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, अगर फॉन्ट साइज में या फिगर में आपको दिक्कत आ रही है, देखिए, इन द नेटवर्क शोन इन फिगर फाइंड रेजिस्टेंस RL, सो दैट मैक्सिमम पावर इज डेवलप्ड अक्रॉस RL. ये 5 वोल्ट, फिर 10 ओम, 1 एम्पियर का ही करंट सोर्स है, 10 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम और लोड रेजिस्टेंस. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे आपकी बात हो रही है बेटा मैक्सिमम पावर थ्योरम की. सही है, तो मैक्सिमम पावर थ्योरम में आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए. सवाल तो ये हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है ऐसी. तो यहाँ पे देखिए आपको की पॉइंट्स क्या क्या पता होने चाहिए. देखिए पहला क्या होता है कि जो आपका लोड रेजिस्टेंस होता है, उसे हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं सर्किट से. तो डिस्कनेक्ट द लोड रेजिस्टेंस फ्रॉम द सर्किट, यह आपका पहला स्टेप होगा मैक्सिमम पावर थ्योरम का. तो डिस्कनेक्ट द लोड रेजिस्टेंस फ्रॉम सर्किट. तो वहां देखिए बेटा सवाल में, यहां पे बेटा आपका लोड रेजिस्टेंस लगा है ना RL, यहां पे आपका लोड रेजिस्टेंस RL लगा हुआ है, इसे हम सर्किट से डिस्कनेक्ट करेंगे जब सॉल्व करेंगे. ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा, अब हम फाइंड करेंगे RTH. सही है, तो दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा आपका, फाइंड RTH. अब RTH फाइंड करने में भी दो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. सही, अगर मैं RTH की बात करता हूँ बेटा, अगर RTH की बात करते हैं तो जो आपके सोर्सेस होते हैं, सही है, तो उसे हम किससे रिप्लेस कराते हैं, उसे हम रिप्लेस कराते हैं उनके इंटरनल इम्पिडेंसेस से, यानी रिप्लेस सोर्सेस बाय देयर इंटरनल इम्पिडेंसेस. रिप्लेस सोर्सेस बाय देयर इंटरनल इंपीडेंसेस. अब इंटरनल इंपीडेंसेस की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पे दो चीज बनेंगे, एक होगा आपका वोल्टेज सोर्स और दूसरा क्या होगा, करंट सोर्स. तो वोल्टेज सोर्स के केस में आप क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स के केस में आप करोगे कि इसे शॉर्ट सर्किट करोगे, और करंट सोर्स के केस में क्या करोगे, करंट सोर्स के केस में ओपन सर्किट करोगे. तो देखिए वोल्टेज सोर्स के केस में क्या करोगे, शॉर्ट सर्किट. ठीक है, ये चीज ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और करंट सोर्स को क्या करोगे, ओपन सर्किट. करंट सोर्स से कैसे आप क्या कर दोगे बेटा, ओपन सर्किट. सही है, अब लास्ट स्टेप क्या होगा, अब अगर मैं मैक्सिमम पावर थ्योरम की बात करता हूं, तो जो आपका लोड रेजिस्टेंस होता है यानी RL होता है, सही है, वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए शुड बी इक्वल टू द RTH. सही है, एज पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर RL, लोड रेजिस्टेंस RL शुड बी इक्वल टू द, किसके इक्वल होगा, ये आपका होगा बेटा RTH. सही है, ये आपका RTH यानी थेवेनिन रेजिस्टेंस जो होता है उसके इक्वल होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू द RTH. तो जब RL यानी लोड रेजिस्टेंस आपका RTH के बराबर हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगी. सही है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है,
यानी आपका क्या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए RL बराबर RTH होना चाहिए। सही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए अब सवाल सॉल्व करते हैं, सवाल पे जाते हैं कि सवाल आपका कैसे सॉल्व होना है वो देखते हैं। ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे करने को मैं डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं पॉइंट। चलिए पहले पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा? सही है, मैंने आपको क्या बताया, डिस्कनेक्ट द लोड रेजिस्टेंस फ्रॉम द सर्किट। सही है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं RTH फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, अब समझिए बात को। मैंने क्या बोला, वोल्टेज सोर्स को मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। सही है, तो स्टेप फर्स्ट लिख ले रहा हूँ, स्टेप वन। मैं थ्योरी यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, मुझे वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी है, मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने RTH की। तो RTH की वैल्यू बेटा मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, RTH वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो मेरा वोल्टेज सोर्स है उसे क्या करूँगा, शॉर्ट सर्किट कर दूंगा। ठीक है, और करंट सोर्स को क्या करूँगा, ओपन सर्किट कर दूंगा। तो देखो ये मेरा वोल्टेज सोर्स है, तो इसे मैं क्या करूँगा, देखिए ध्यान से, अब मैं सर्किट चाहिए थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूँ। इस वोल्टेज सोर्स को मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट, यहां मैं लिख दे रहा हूं शॉर्ट सर्किट। ठीक, आगे मेरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस कितने ओम का है, रेजिस्टेंस है बेटा आपका 10 ओम का। उसके बाद मैं किस पे आता हूं, करंट सोर्स लगा हुआ है, करंट सोर्स को मुझे क्या करना है, करंट सोर्स मुझे करना है ओपन सर्किट। यानी मैंने क्या करा, ये मैंने यहां क्या कर दिया, ओपन सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट फिर मेरा आगे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, तो इसी रेजिस्टेंस को लगा देता हूं, ये रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम का। आगे मेरा रेजिस्टेंस और लगा है, ये रेजिस्टेंस मेरा कितने ओम का है, 2 ओम का। तो देखिए ये रेजिस्टेंस मेरा हो गया 2 ओम का, उसके आगे रेजिस्टेंस और लगा है मेरा 3 ओम का। तो ये रेजिस्टेंस हो गया मेरा 3 ओम का। ठीक है, उसके आगे रेजिस्टेंस और लगा है, वो रेजिस्टेंस मेरा कितने ओम का है, वो रेजिस्टेंस बेटा मेरा 5 ओम का। 5 ओम का। ठीक है, और RL को मुझे क्या करना है, RL को ऑब्वियसली बात है मैंने ओपन कर दिया, ये चूंकि मेरा पहला स्टेप था। मेरा पहला स्टेप क्या था, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का, कि डिस्कनेक्ट द लोड रेजिस्टेंस फ्रॉम सर्किट। तो यहां से मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अब यहां से मुझे फाइंड आउट करना है RTH, कि भाई मेरी RTH की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहां से RTH देखिए, RTH आपका क्या होगा, अगर मैं इस 10 की बात करता हूं, इस 10 की बात करता हूं, चलिए देखते हैं, अगर मैं इस 10 ओम की बात करता हूं, इस 10 ओम की बात करता हूं, तो ये आपके किस में हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे पैरेलल में। ठीक है, तो 10 पैरेलल 10, सही, ये आपके पैरेलल में हो गए। उसके बाद इसमें आपका एक 2 ओम भी लगा हुआ है, तो ये इसके साथ सीरीज में हो गया 2। ठीक है, और अगर बेटा इन ये 3 और एक 5 ओम आपका और बचा, ये आपका किस में होगा, 3 + 5, 5 + 3, ये तो सीरीज में हो गया, लेकिन ये इसका टोटल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 3 + 5, यानी सीरीज में हो जाएगा। समझ में आई बात, यहां से चलें तो 5 + 3 ये आपका किस में आ गया, ये जो आपका 5 + 3 है ये आपका सीरीज में आ गया है। ठीक है, सॉरी ये आपका जो आया है, ये आपका इस कॉम्बिनेशन के साथ ये 3, आप फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो कॉम्बिनेशन है जो बन के आ रहा है 3 वाला, सही है, ये जो आपका 3 वाला कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है, यहाँ पे ये हटा लीजिए, ये इसके साथ आपका 3 पैरेलल में आ गया और प्लस 5। ठीक है, अब इसे बेटा सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, 10 पैरेलल 10 है, सही है, तो 10 पैरेलल 10 की अगर मैं बात करूँगा तो क्या होगा, देखिए 10 × 10 अपॉन 10 + 10 यानी 120, सही, यानी 10 पैरेलल 10 का मतलब क्या है, यहाँ आपका 5 आ जाएगा, यानी ये आपका क्या हो गया 5, यानी आप क्या ले सकते हो 5, और ये तो प्लस 2 रहेगा ही। ठीक है, तो यहां तक तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं आई। उसके अलावा ये जो कॉम्बिनेशन होगा पैरेलल में, इसके साथ 3 + 5, अब 5 + 2 की बात करूँ तो 5 + 2 कितना होगा आपका,
अगर 5+2 की बात करूँ, ये आपको जाएगा 7, यानी 7 parallel 3+5। अब 7 parallel 3 की बात करी जाए तो 7 into 3 7+3+5, 7 × 21, 8 × 9 10+5, तो 21/10। 21/10 की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, 21/10 यानी ये हो जाएगा 2.1, यानी 2.1+5 बराबर 7.1 ओम। ठीक है, आपको आरएल की वैल्यू निकालनी थी कि आरएल की वैल्यू कितनी होगी, तो आरएल की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 7.1 ओम, यानी आरएल मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर आरएल इक्वल टू आरटीएच बराबर 7.1 ओम। ठीक है, एक बार रिपीट देख लीजिए, ये मैंने चीज कैसे लिखी है। देखिए, यहां से आपका आपको आरटीएच यहां से निकालना है, तो 5 ओम तो आपको हो ही गया, सही है। तो ये जो आपका है 2 ओम वाला वाला कॉम्बिनेशन, ये दोनों आपस में किस में होंगे, ये वाला 3 ओम होगा उसके साथ पैरेलल में होगा, सही है। और ये पूरा अगर यहां तक की बात कर लेता हूं तो ये 5 ओम सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी अगर मैं 10 ओम इस 10 ओम की बात करता हूं, ये किस में आपका हो जाएगा, ये आपका बेटा पैरेलल में हो जाएगा। इसका जो कंबाइंड कॉम्बिनेशन होगा 10 और 10 के पैरेलल का, वो इस 2 ओम के साथ सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल है। देखो, मैक्सिमम पावर थ्योरम में मैंने आपको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये बताए हैं कि देखिए, सबसे पहले क्या करोगे, डिसकनेक्ट द लोड रेजिस्टेंस फ्रॉम द सर्किट। अपना जो आपका सर्किट है मैक्सिमम पावर थ्योरम के लिए, तो लोड रेजिस्टेंस को आप डिसकनेक्ट कर दो। ठीक है, अब आपको बेटा क्या फाइंड आउट करना है, अब आपको बेटा फाइंड आउट करना है आरटीएच। ठीक है, तो आरटीएच वैल्यू बेटा आपकी कैसे आएगी, आरटीएच वैल्यू आपकी ऐसी आएगी कि जो आपके सोर्सेज हैं, अब वो वोल्टेज सोर्स हैं या फिर करंट सोर्स है, वो बात की बात है, तो जितने भी आपके सोर्सेज हैं रिप्लेस, तो वो सारे सोर्सेज को उनके इंटरनल इंपेडेंस से आप रिप्लेस करा दीजिए। ठीक है, अब जैसे आपका वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स को किससे रिप्लेस कराओगे, वोल्टेज सोर्स को आप शॉर्ट सर्किट कर दोगे। ठीक है, सेम अगर बेटा करंट सोर्स की बात करते हैं, तो करंट सोर्स को आप क्या करोगे, करंट सोर्स को आप ओपन सर्किट कर दोगे। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए कंडीशन क्या होगी, आरएल इक्वल टू आरटीएच, बस इतनी चीज आपको ध्यान में सेट रखनी है। अब इस सवाल में आपने क्या स्पेशल करा है, कुछ नहीं करा है आपने, जैसे 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स था, उसका आपने क्या करा, आपने उसे यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिया। सेम आपका करंट सोर्स 1 एम्पियर का था, करंट सोर्स, तो करंट सोर्स को आपने ओपन सर्किट कर दिया। ठीक है, और आरएल जो लोड रेजिस्टेंस था, ये आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, और आपने सिंपल अपना आरटीएच फाइंड आउट कर लिया, आपका आरटीएच आ गया। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन क्या होती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन आपकी यही बनेगी कि वैन आरएल इक्वल टू आरटीएच, यानी लोड रेजिस्टेंस थेवेनिन रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, उस केस में आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, बस इतना ही सवाल में था। अब ये सवाल बेटा आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको पॉइंट्स लिखा है, भाई मैंने क्या बोला, मैंने आपसे ये बोला कि बेटा अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन थ्योरम है, तो आपको वोल्टेज सोर्स, तो ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होता है कि वोल्टेज सोर्स को हम क्या करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है आपका एसएससीजेई में, वोल्टेज सोर्स को हमेशा शॉर्ट सर्किट करते हैं। सेम इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है करंट सोर्स में क्या करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया हुआ है, करंट सोर्स को हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट करते हैं। ये सवाल भी आपका एग्जाम में आया हुआ है ऑब्जेक्टिव में कि फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कौन सी कंडीशन नेसेसरी कंडीशन होती है, अगर लोड रेजिस्टेंस और थेवेनिन रेजिस्टेंस के रिलेशन से बोला जाए, तो कौन सी कंडीशन नेसेसरी कंडीशन होती है, आरएल इक्वल टू आरटीएच। तो ये मैंने 3 क्वेश्चन आपको ऐसे बोले कि भले ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही फ्रेम हो रहे हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे फाइंड आउट करो कि किस क्वेश्चन को आपको सब्जेक्टिव तरीके से लेना है, किसे आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से लेना है। ठीक है, ये एक सिंगल सब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपके 5-6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये चीज़ बनाया तो यहाँ पे सिंपल आपसे पूछ लेंगे कि भाई नहीं पूछेंगे इतनी दुनियादारी, सीधे पूछ लेंगे बताओ आरटीएच की वैल्यू क्या आएगी। भाई मैंने तो यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे ऐसे लिखी हुई है, वहाँ वैल्यू सिंपल आ जाएगी 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, सही है, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। जब इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी तो सवाल आपका सिंपल है। ठीक है, तो मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि देखो बेटा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सिर्फ सब्जेक्टिव के नज़रिए से नहीं लेना है, ये आप पे डिपेंड करता है आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से कितना सीख रहे हो। कितना सीखने का मतलब है आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रेम करना सीख रहे हो, सही। क्योंकि देखो, अब जैसे जैसे कंपटीशन का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, तो आप ये मत सोचो, जैसे बहुत सारे बच्चों टेंडेंसी क्या है ना कि भाई जे बी गुप्ता रट ली, 15,000 क्वेश्चन रट के जा रहे हैं कि अब तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना है। कि अगर आपको लगता है आप 10,000 15,000
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को रट के चले जाओ और आपका सिलेक्शन हो जाए, तो वो बेटा इम्पॉसिबल सा टास्क है, क्योंकि बिना दिमाग के नहीं होगा आपका एग्जाम क्लियर। चीज़ें समझो, रटने से काम नहीं चलना है। हाँ, अब मटेरियल साइंस टाइप के सब्जेक्ट हो गए, बहुत टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, वहाँ रटना पड़ता है, लेकिन अब नेटवर्क में या फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल में क्या रटोगे, मशीन में क्या रटोगे। कुछ पोर्शन रटने वाला भी होता है, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन समझने वाला होता है। ठीक है, चलिए एक दो सब्जेक्टिव क्वेश्चन और देखते हैं, उससे भी देखते हैं कैसे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। क्वेश्चन है बेटा आपका, फाइंड करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टर इन द सर्किट शोन इन फिगर यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। यह आपका 12 वोल्ट है, फिर 1 ओम, 5 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 5 एम्पीयर। रिपीट कर रहा हूं मैं आपका क्वेश्चन, फाइंड करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टर इन द सर्किट शोन इन फिगर यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। ये 12 वोल्ट का सोर्स है, 1 ओम की बैटरी, 1 ओम का रेजिस्टर है, या आपका 5 ओम का रेजिस्टर है, 2 ओम का रेजिस्टर है, 2 ओम का रेजिस्टर है, ये 5 एम्पीयर का करंट सोर्स है। तो देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बेटा बात हो रही है आपकी थेवेनिन थ्योरम्स की। सही है, तो थेवेनिन थ्योरम की बात करूं तो थेवेनिन थ्योरम में भी आपको जितने भी की पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए पहले मैं आपको की पॉइंट्स बता देता हूं। की पॉइंट्स, क्वेश्चन तो ये हो ही जाएगा। तो देखिए की पॉइंट्स आपके क्या है, थेवेनिन थ्योरम की अगर मैं बेटा बात करता हूँ, सबसे पहला क्या होगा कि जो आपका लोड रेजिस्टेंस होगा, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, 5 ओम रेजिस्टर की बात हो रही है, चलिए इसे बाद में रिलेट कराएंगे, पहले कॉमन चीज सुनिए कि जो लोड रेजिस्टेंस होगा उसे आप रिमूव करोगे, पहला स्टेप तो ये जाएगा, यानी रिमूव लोड रेजिस्टेंस, यानी पहला आपका स्टेप हो जाएगा रिमूव लोड रेजिस्टेंस। आपका जो लोड रेजिस्टेंस होगा उसे आप क्या करोगे, उसे बेटा आप रिमूव कर दोगे। उसके बाद आप क्या फाइंड आउट करोगे, उसके बाद आप आरटीएच फाइंड आउट करोगे। सही है, तो आरटीएच आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको सारे जो सोर्सेस होंगे ना रिमूव करना पड़ेगा, यानी फाइंड द थेवेनिन रेजिस्टेंस बाय रिमूविंग ऑल सोर्सेस, फाइंड थेवेनिन्स रेजिस्टेंस बाय रिमूविंग द सोर्सेस। आप अपने सारे सोर्सेस को रिमूव करोगे, और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि रिमूव करने तो वोल्टेज सोर्स क्या होगा, वोल्टेज सोर्स आपके शॉर्ट सर्किट होंगे, करंट सोर्स क्या होंगे, करंट सोर्स आपके ओपन सर्किट होंगे। सही है, वोल्टेज सोर्स आर शॉर्ट सर्किट एंड करंट सोर्स आर ओपन सर्किट। ठीक है, वोल्टेज सोर्स आपके शॉर्ट सर्किट हो गए और करंट सोर्स क्या करोगे, ओपन सर्किट करोगे। इससे आप क्या करोगे, अपना आरटीएच की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। ठीक, अगला स्टेप क्या होगा, इतना काम हो गया, अब आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, आपको थेवेनिन वोल्टेज फाइंड आउट करना होगा, और ये किसके अक्रॉस करोगे, ये आप ओपन सर्किट टर्मिनल जो होगा, सही है, वीओसी से रिप्रेजेंट कर देंगे, उसके अक्रॉस फाइंड आउट करोगे, यानी फाइंड थेवेनिन वोल्टेज अक्रॉस ओपन सर्किट टर्मिनल, फाइंड थेवेनिन वोल्टेज अक्रॉस ओपन सर्किट टर्मिनल, जो आपको ओपन सर्किट टर्मिनल होगा उसके अक्रॉस आप थेवेनिन वोल्टेज को फाइंड आउट करोगे। ठीक है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा कि अब बेटा आपको आरटीएच भी पता है, सही है, और आपको वीटीएच भी पता है, यानी वीओसी भी पता है, सही है, आपको थेवेनिन रेजिस्टेंस भी पता है, आपको थेवेनिन वोल्टेज भी पता है, सही है, तो आप आराम से आप जो लोड के अक्रॉस आपकी करंट फ्लो कर रही है उसे आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यूज थेवेनिन रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज बाय यूजिंग थेवेनिन रेजिस्टेंस एंड
बाई यूजिंग थेवेनिन रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज जब आपको थेवेनिन रेजिस्टेंस पता है थेवेनिन वोल्टेज भी पता है ठीक है तो उस केस में आप क्या करोगे जो लोड के अक्रॉस आपकी करंट फ्लो कर रही है उसे आप फाइंड आउट कर लोगे सही है फाइंड करंट फ्लो थ्रू द करंट फ्लो थ्रू द लोड रेजिस्टेंस ठीक है तो ये आपके बेसिक स्टेप हैं किसके स्टेप हैं बेसिक स्टेप्स ये आपके थेवेनिन थ्योरम्स के बेसिक स्टेप्स हैं ठीक है अब चलिए अब आपके सवाल पे आते हैं सही बहुत ही बेसिक बेसिक बातें अगर आपको पता है तो सवाल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है सही और हर सवाल में मैं स्टार्टिंग में कुछ की पॉइंट इसलिए बता देता हूँ कि उससे सवाल को सॉल्व करने में आसानी होती है तो चलिए अब पहला स्टेप क्या होगा पहला स्टेप देखते हैं स्टेप वन इसमें थोड़ा सा बड़ा सवाल आएगा क्योंकि एक बार हम RTH के लिए काम करेंगे एक बार हम VTH फाइंड आउट करने के लिए देखेंगे ठीक है तो स्टेप वन देख ले रहे हैं स्टेप वन क्या है आपका अगर मैं स्टेप वन की बात करता हूं तो स्टेप वन आपका क्या है कि आपको RTH फाइंड आउट करना है सही है तो आप क्या करोगे अपना जो 5 ओम का आपका आपको यहाँ 5 ओम का रजिस्टर है ना इसमें आपको करंट फ्लो निकालना है ठीक है तो आप क्या करोगे आप सिंपल 5 ओम रेजिस्टेंस को रिमूव कर दोगे सही है और क्या फाइंड करोगे ओपन सर्किट वोल्टेज सही है ओपन सर्किट यानी VOC तो रिमूव 5 ओम रेजिस्टेंस रिमूव और ये बात समझो कि मैं 5 ओम के रेजिस्टेंस को ही क्यों रिमूव कर रहा हूं क्योंकि बेटा यही मेरा लोड रेजिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल यही मेरा लोड रेजिस्टेंस और इसी के अक्रॉस में VOC की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा सही है रिमूव 5 ओम रेजिस्टेंस रिमूव फाइव ओम रेजिस्टेंस मतलब मैंने 5 ओम रेजिस्टेंस को अपना रिमूव करा ठीक है इसके बाद मुझे क्या करना होगा उसके बाद मुझे ये करना होगा कि जो मेरा ओपन सर्किट वोल्टेज होगा सही है उसे मैं फाइंड करूंगा फाइंड द ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड द ओपन सर्किट वोल्टेज मतलब VOC सही है VOC को मैं अपना फाइंड आउट करूंगा और किसके अक्रॉस फाइंड आउट करूंगा इसे फाइंड आउट करूंगा अक्रॉस द ओपन सर्किट लोड टर्मिनल अक्रॉस द Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. Across the open circuit load terminal. ठीक है तो ये मेरा यहाँ पे इस तरह के स्टेप होना है तो चलिए पहले स्टेप करते हैं देखिए ध्यान से देखिए वो तो मेरा 12 वोल्ट है ठीक है 12 वोल्ट प्लस माइनस है अब जरा ध्यान से देखिए मुझे क्या करना है बेटा मेरा ये 5 ओम का रजिस्टर है ये मेरा लोड रेजिस्टेंस है तो इसे मैं क्या करूंगा इसे मैं ओपन सर्किट कर दूंगा ध्यान से देखिए ये 1 ओम है तो ये तो बेटा मेरा सिंपल 1 ओम हो गया ये मेरा सिंपल 1 ओम हो गया सही है लेकिन अब ये तो मैंने ओपन कर दे रहा हूं इसे तो अब मेरा कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा उसे ध्यान से देखिएगा वो बनेगा एक तो ये बेटा 2 ओम का आ गया सही है फिर एक 2 ओम और था आपका ये 2 ओम सही है और फिर आपका करंट सोर्स है 5 एम्पियर का ये मेरा सर्किट कुछ इस तरीके से हो जाएगा ठीक है जो मेरा सर्किट है उसे ध्यान से देखिएगा सही है और यहाँ पे मेरे 2 टर्मिनल हो गए मान लेते हैं इस टर्मिनल को मैंने ए बोल दिया इसे मैंने बी बोल दिया और ये मेरा ये वोल्टेज क्या होगा VOC सही है भाई मुझे ओपन सर्किट वोल्टेज ही तो फाइंड आउट करना है और ये मेरा प्लस हो गया और ये मेरा माइनस हो गया ठीक है इतनी बात समझ में आई
ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सोर्स कन्वर्जन मेथड यूज करूँगा, सही है, बाय द यूज ऑफ सोर्स कन्वर्जन मेथड, सही है। सोर्स कन्वर्जन मेथड में क्या करूंगा, इस करंट सोर्स को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, मैं इसे अपना वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दूंगा। तो देखिए, ये है मेरा 12 वोल्ट, अब यार यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 1 ओम। अच्छा, ये देखिए, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये करंट सोर्स किस में है, करंट सोर्स है आपका 5 एम्पियर। तो यहाँ क्या होगा, देखिए सिंपल, दो ओम और ये 5 × 2 = 10, ये क्या, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका जाएगा एक वोल्टेज सोर्स और वो आपका क्या होगा, 10 वोल्ट। ये ए रहेगा, ये बी रहेगा और ये आपका वी ओ सी रहेगा, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा, ये आपका वी ओ सी रहेगा। यहाँ पे सिंपल आप करंट फाइंड आउट कर सकते हो, देखिए ये लूप देख लीजिए, यहाँ पे आई करंट मान ले रहे हैं, सही। तो ये आई करंट की वैल्यू क्या होगी, देखिए जो आपकी वी बराबर आई आर होता है, आई बराबर क्या होता है, वी अपॉन आर। तो यहाँ पे देखिए 2 वोल्टेज सोर्स है, आपका 12 वोल्ट है, एक आपका 10 वोल्ट है। तो सिंपल क्या करोगे, 12 - 10 और ये सारा आपका सीरीज में हो गया, 1 ओम 2 ओम 2 ओम। ये आपका किस में हो गया, ये बेटा आपका सीरीज में हो गया, यानी 1 + 2 + 2 = 12 - 10 गया, बचा 2, 5 यानी 0.4 एम्पियर। या आपकी करंट क्या होगी, करंट आपकी हो गई 0.4 एम्पियर, ठीक है। ये करंट आपकी 0.4 एम्पियर होगी, यानी अगर मैं वी ओ सी की बात करूँ तो वी ओ सी आपका क्या निकल के आएगा, मैं इसी के आगे लिख दे रहा हूँ क्योंकि अभी एक सर्किट और बनाना है। तो देखिए, ये मुझे क्या निकालना है, मुझे ये वी ओ सी, ये मुझे ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है, सही है। करंट की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, करंट की वैल्यू क्या है मेरी, 0.4 एम्पियर, सही है। तो वी ओ सी मेरा क्या हो जाएगा, वी ओ सी हो जाएगा 10। भाई यहाँ कितनी करंट फ्लो करेगी, 0.4 एम्पियर फ्लो करेगी ना, 10 और आई आर, तो ये 0.4 और आर कितना है, 2 + 4, सही है। तो यानी वी ओ सी आपका कैलकुलेट होकर जाएगा 10 और 4 किस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका, 1.6, यानी ये सॉल्व क्या जाएगा आपका, 11.6 एम्पियर, ठीक है। तो इतना काम हो गया, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो अभी हमने क्या निकाला है, अभी हमने निकाला है वी ओ सी, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है, देखिए ये तो आपका स्टेप 1 था, स्टेप 2 देख लेते हैं। अगर बेटा स्टेप 2 की बात करते हैं, तो स्टेप 2 में आपको क्या करना है, अब आपको जो आपके इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं उसे क्या करोगे, उसे आप इनएक्टिव करोगे, सही है। मतलब डीएक्टिवेट द इंडिपेंडेंट सोर्सेस, सही। तो डीएक्टिवेट द अब मैंने यहाँ पे बोला है आपको इंडिपेंडेंट सोर्स को क्या करना है, इंडिपेंडेंट सोर्स को बेटा आप डीएक्टिवेट कर रहे हो। तो डीएक्टिवेट मतलब क्या है कि जो आपका वोल्टेज सोर्स होगा, सही, वोल्टेज सोर्स में क्या करोगे, रिमूव इट बाय इट्स इंटरनल इंपिडेंस या फिर रेजिस्टेंस, सही है। तो ये भी ब्रैकेट में लिख लीजिए, फॉर वोल्टेज सोर्स रिप्लेस इट बाय इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर इंटरनल इंपिडेंस, सही है। रेजिस्टेंस या तो रेजिस्टेंस से आप बात कर लो, फिर इंपिडेंस कर लो, उससे आप क्या करोगे, रिप्लेस करोगे। करंट सोर्स की बात करें तो करंट सोर्स में क्या करोगे, करंट सोर्स में डिलीट कर दोगे सोर्स को और क्या करोगे, रिप्लेस इट बाय ओपन सर्किट। अगर करंट सोर्स होता, फॉर करंट सोर्स डिलीट इट
डिलीट इट, और रिप्लेस बाय ओपन सर्किट। सही है। तो ये आपका प्रोसीजर है किसका, डीएक्टिव द इंडिपेंडेंट सोर्सेज का। इसे आप आपके जो इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे इस तरीके से आप डीएक्टिव करोगे या फिर डीएक्टिवेट करोगे, ठीक है। और वोल्टेज सोर्स में बता दिया, वोल्टेज सोर्स में सिंपली शॉर्ट सर्किट होता है या फिर इंटरनल इंपेडेंस है, उसे हम रिप्लेस कर देते हैं। करंट सोर्स में क्या करते हैं, करंट सोर्स में हम बेटा सिंपली ओपन सर्किट कर देते हैं, ठीक है, या फिर डिलीट कर देते हैं, बात एक ही है। उसके अलावा बात करते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, उसी को हम थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलेंगे। सही है। तो देखिए, फाइंड थेवेनिन, और इसे हम कहां से फाइंड आउट करेंगे, जहां से आप ओपन सर्किट करोगे। तो ये चलिए, मैं ज्यादा थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, अब चलिए इस चीज को हम इंप्लीमेंट करते हैं, जो चीज लिखी है इसे हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको फिर से एक सर्किट बनाऊं, उसे ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैंने क्या बोला, वोल्टेज सोर्स आपका बेटा शॉर्ट सर्किट होगा। तो देखिए, इस वोल्टेज सोर्स को मैं शॉर्ट सर्किट कर दे रहा हूं, मैं रफ करना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये मुझे रफ करना पड़ेगा, खैर कोई बात नहीं। ये मैंने क्या कर दिया बेटा, शॉर्ट सर्किट। सही है, ये मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है। ये मेरा क्या कर रहा हूँ, इसे मैं बेटा मैं शॉर्ट सर्किट कर दे रहा हूँ। फिर ये मेरा 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ये मेरा 1 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा, ये आगे देखिए, ये तो ओपन सर्किट ही होना है, यानी वो 2 ओम और 2 ओम उधर आपका लगा हुआ है। सही है। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, 2 ओम, फिर ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 ओम, और देखो बेटा वहां पे आपका करंट सोर्स है 5 एम्पियर का। तो करंट सोर्स को मैंने आपको क्या बोला था, करंट सोर्स आपका सिंपल हो जाएगा ओपन सर्किट, यानी ये ओपन सर्किट। सही है। करंट सोर्स मेरा क्या हो जाएगा, करंट सोर्स हो जाएगा मेरा ओपन सर्किट। और मुझे आरटीएच कहां से फाइंड आउट करना होगा, आरटीएच यहां से फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। चलिए, यहीं पे आरटीएच आपका फाइंड आउट कर देते हैं कि आपका आरटीएच यानी थेवेनिन रेजिस्टेंस आपका क्या आएगा। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस की बात करें, सिंपल आरटीएच की अगर बेटा बात करते हैं, तो देखो आरटीएच आपका क्या आएगा, यहां से देखना है। तो यहाँ पर जो आपका आरटीएच आएगा, ये 2 ओम होगा और ये 2 ओम होगा, ये क्या होगा, ये आपका सीरीज में हो जाएगा, और इसके साथ जो उसका कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या, पैरेलल में बनेगा, यानी 1 पैरेलल 2+2। इसे सॉल्व कर लीजिए, 1 पैरेलल 4, यानी 1 × 4 1+4, यानी 4/5। सही। ये आरटीएच आपका क्या सॉल्व होकर आएगा, 4/5, ठीक है। इसे अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0.8 ओम, ये सॉल्व होके आपका आ जाएगा 0.8 ओम, ठीक है। ये आपका सॉल्व होके 0.8 ओम आ गया। सही। अब मैं इसे रफ कर रहा हूं, देखो अब आपको VOC भी पता है, यानी ओपन सर्किट वोल्टेज भी पता है, और उसके बाद अगर बेटा मैं आपसे बात करता हूं तो आपको RTH भी पता है। सही। तो अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत ही नहीं है, अब एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। सही है। अब एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, तो ये आपका स्टेप 3 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेप 3 देखिएगा, आपका स्टेप 3 क्या होगा, अगर मैं स्टेप 3 की बात करता हूं, तो स्टेप 3 आपका क्या होगा, ऑप्टेन थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। सही है। ऑप्टेन थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट की अगर बात करते हैं, सही है, तो आपको आरटीएच भी पता है और आपको वी ओपन सर्किट भी पता है, ठीक। तो यहां पे देखिए, और एक आपका हो जाएगा ये। अब अगर बेटा इसकी बात करता हूं, ठीक है, यहां जो मैंने वोल्टेज सोर्स लगाया, ये क्या होगा आपका ओपन सर्किट वाला, वी ओपन सर्किट, जिसकी वैल्यू क्या थी, उसकी वैल्यू आई थी आपकी 11.6 एम्पियर, ठीक है। तो देखिए, ये है आपका वी ओपन सर्किट, और वैल्यू क्या है इसकी, 11 पॉइंट, मैंने वहां पे गलती से एम्पियर लिख रखा है, एम्पियर नहीं होगा, वोल्ट होगा, ठीक है,
11.6 वोल्ट। तो ये तो आपका वी ओपन सर्किट हो गया। उसके अलावा आरटीएच की बात करूं, आरटीएच आपका क्या है, आरटीएच है आपका 0.8 ओम। तो ये हो गया बेटा आपका आरटीएच यानी 0.8 ओम। उसके आगे बात करता हूँ, उससे आगे आपका क्या लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस क्या था आपका, लोड रेजिस्टेंस था आपका 5 ओम। ठीक है, तो ये आपका हो गया लोड रेजिस्टेंस, यानी ये आरएल क्या हो गया आपका, आरएल हो गया आपका 5 ओम। तो आरएल आपका 5 ओम हो गया, सही है। अब सिंपल सी बात है, अब आपको क्या करना है, अब आपको करंट फाइंड आउट करनी थी, सही है। तो देखो आई 5 ओम आपका क्या हो, यहाँ पे करंट मान ले रहा हूँ आपकी आई, तो ऑब्वियस सी बात है 5 ओम में आपकी जो करंट फ्लो करेगी वो मेरी आई है, सही है, सेम करंट फ्लो करेगी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आई 5 ओम इक्वल टू आई, सही है, आई 5 ओम इक्वल टू आई। और मेरा क्या होगा, सिंपल वी ओपन सर्किट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस यानी आरटीएच प्लस आरएल, यानी वी ओपन सर्किट अपॉन आरटीएच प्लस आरएल। ठीक है, अब वी ओपन सर्किट क्या था, 11.6 वोल्ट। आरटीएच की बात करूं, आरटीएच क्या फाइंड आउट करता है, 0.8, और ये क्या है बेटा आपका 5, यानी ये क्या सॉल्व होकर आएगा 11.6 5 5.8। सही, इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं आपका सॉल्व होकर क्या आएगा। वैसे तो 5 × 2 = 10 सीधे 2 आ जाएगा, सही, यहाँ पे जो आपकी करंट की वैल्यू आएगी, जो आपको करंट फाइंड आउट करना है वो आपका 2 एम्पियर आएगा। ठीक है, तो ये आपका बेटा करेक्ट आंसर है। ठीक, अब बेटा ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, अब मैं बताता हूँ। जैसे मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखाए थे, जैसे वी ओ सी है आपका, सही है, या फिर सॉरी मतलब वी ओ सी से मतलब क्या, आपसे सिंपल ये कहा जा रहा है कि वोल्टेज सोर्स के साथ क्या करना है, तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना है। सेम आपसे पूछा जाता है करंट सोर्स के साथ क्या करना है, तो करंट सोर्स में क्या करना होता है, ओपन सर्किट करना होता है। या फिर आपको सिंपल ये सर्किट दे देंगे सवाल में, सिंपल आपको बेटा ये सर्किट दे देंगे कि भाई ये सर्किट है आपका, ठीक है, और यहाँ से आपसे पूछेंगे बताओ करंट की वैल्यू क्या है, सही। तो इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। देखो इतनी बात तो आप दिमाग में सेट रखो कि आपका चाहे सब्जेक्टिव पेपर हो चाहे ऑब्जेक्टिव पेपर हो, भाई सुपरपोजिशन थ्योरम हो गई, थेवेनिन थ्योरम हो गई, ठीक है, मैक्सिमम पावर थ्योरम हो गई, सही है, उसके अलावा आपको सुपरपोजिशन हो गया, नॉर्टन हो गया, थेवेनिन हो गया, मैक्सिमम पावर थ्योरम हो गया, इन चारों से क्वेश्चन तो पत्थर ही लकीर है, आना ही आना है, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम हो चाहे आपका सब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम हो, सही। और हमेशा एक चीज़ अपने दिमाग में सेट रखो कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पास करने के लिए आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, नो डाउट, वो मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको लगाने पड़ेंगे, और ये देखना पड़ेगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कैसे फ्रेम होते हैं, सही है। अभी इसी क्वेश्चन को मैं तो खैर आपको इतना इसमें नहीं कुछ कर रहा, अभी मैं यहीं आपको चार ऑप्शन लिख देता, कहता भाई ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन चलिए ये वो सब करने का मतलब नहीं है। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही होता है, जैसे यहाँ मैंने जो मेरा आंसर आया था, मेरा 2 एम्पियर आंसर आया था, सही, मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन लिख देता कि भाई ए बराबर 2 एम्पियर, बी बराबर 4 एम्पियर, सी बराबर 6 एम्पियर और डी 1 एम्पियर, सही। अगर मैं 2 एम्पियर से टिक लगाता, सॉल्व करता, आप कहते हैं हाँ सर ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है, ठीक है, उस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है कि क्या ऑब्जेक्टिव है, कि आपको ये मेन चीज है कि आप किसी क्वेश्चन से बेटा कितना ज्यादा सीख रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लर्निंग, कि आपको किसी भी क्वेश्चन से कितना ज्यादा सीखने को मिल रहा है, ठीक है, तो आप यहां पे कंसंट्रेट करो कि हाँ भाई मुझे सीखने को मिल रहा है। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आ जाएंगे।